तो अभी जो है 3H, इसमें क्वेश्चन वन कंप्लीट कंप्लीट दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, कंप्लीट ए। अब यहाँ पे दिया है मल्टीपल्स ऑफ टू, मतलब क्या, टू का टेबल, टू वन ज़ा टू, टू ज़ा फोर, थ्री ज़ा सिक्स, फोर ज़ा एट, दिया ना, उसके आगे कंटिन्यू में है, ठीक है। यहाँ पे डॉट डी मतलब कंटिन्यू में है। उसके बाद में मल्टीपल्स ऑफ थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, टू ज़ा सिक्स, थ्री ज़ा नाइन, फोर ज़ा कितना होता, ट्वेल्व, और थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, थ्री सिक्स ज़ा एटीन, ऐसा तो आगे कंटिन्यू में है, ठीक है। डॉट डी आई मतलब कंटिन्यू में। अब इसमें हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर लीस्ट या फिर लोवेस्ट, क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते उसको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर ही उसको क्या बोलते पी है, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इसको लिस्ट भी बोलते हैं और लोवेस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोवेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। लिस्ट को ही क्या बोलते हैं, लो वेस्ट, डब्ल्यू ई एस टी, ठीक है। लिस्ट को ही क्या बोलते हैं, लोवेस्ट भी बोलते हैं। तो एलसीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है, फिर एलसीएम का लॉन्ग फॉर्म है क्या, है लॉन्ग फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मतलब कि मल्टीपल जो है ना, उसमें सबसे देखना पहले सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, कॉमन में सबसे छोटा कौन सा है, तो वो अपना होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो अभी यहाँ पे सबसे पहला कॉमन कौन सा है, टू, इसमें क्या टू नहीं है, फोर, इसमें क्या नहीं है, सिक्स, ये देखो यहाँ पे सिक्स, सबसे पहला कॉमन कौन सा आ गया, सिक्स आ गया दोनों टेबल में। मतलब कि इसका जो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या आएगा, सिक्स आएगा, बस हो गया आंसर। पहले टेबल लिखना, टेबल के बाद बस जो पहले वाला दोनों टेबल में कॉमन आएगा वो अपना आंसर है, वो अपना एलसीएम है।